आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, सेवन बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी आर केप्ट अबव वन अनदर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 90। नॉट मोर देन फोर बॉक्सेस आर केप्ट अबव पी, टू बॉक्सेस आर केप्ट अबव पी एंड द बॉक्सेस कंटेनिंग 41 चॉकलेट्स व्हिच इज केप्ट बिलो पी। S contains thrice number of chocolate than box Q and box R contains 50 number of chocolates and is not kept at the top. Box number of chocolate in box V is a cube number. Only one box is kept between box containing 41 and 39 chocolates. Box S has less number of chocolate than box P. One of the boxes contains 78 chocolates. Five boxes are kept between box 64 chocolates and box R. Box V is immediately above box T. Box S is not kept immediately above the above or below box Q. Three boxes are kept between box S and box U, and box S is above box U. तो see, आपको यहाँ पे arrangement का question दिया हुआ है, right? जिसमें कहता है कि सात boxes हैं जो कि टॉप एंड बॉटम में रखे जा रहे हैं और उनके बीच में उनमें क्या है, चॉकलेट्स हैं जो कि 10 to 90 के रेंज में हैं। ऑलराइट, तो सी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बनाना, बट कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे वो हमें देखने की जरूरत होगी। तो लेट्स सी, आपको जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बोला हुआ है कि टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड 41 चॉकलेट, इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। पी एंड 41 चॉकलेट के बीच में दो बॉक्सेस हैं, दैट इज फाइन। एंड पी के कहता है कि पी के अबव में ज्यादा से ज्यादा चार बॉक्स, एटलीस्ट कम से कम चार बॉक्स हो सकते हैं। तो मतलब चार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। तो सी आगे कहता है, एस कंटेन्स थ्राइस नंबर ऑफ चॉकलेट। एस जो है वो उसके पास कितने चॉकलेट्स हैं, जितने क्यू के पास है उनका तीन गुना। बॉक्स आर कंटेन्स 50 नंबर ऑफ चॉकलेट एंड इज नॉट केप्ट अबव टॉप। बॉक्स आर में 50 चॉकलेट्स है और टॉप पे नहीं है, ये टॉप पे नहीं रखा गया, दैट इज फाइन। फिर आपको बोलता है कि बॉक्स वी में क्यूब नंबर का चॉकलेट है, क्यूब है। तो सी 10 से 90 के बीच में है, तो 10 से 90 के बीच में दो ही आपके क्यू आते हैं, दैट इज 64 एंड 27। तो या तो 64 होगा या तो 27 होगा। ना ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 41 एंड 31। 41 और 31 के बीच में, 39 के बीच में केवल एक बॉक्स रखा जा रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर बॉक्स एस हैज लेस नंबर देन पी, ओके, तो मतलब पी के पास ज्यादा चॉकलेट्स है एस से। एंड वन बॉक्स कंटेन 78 चॉकलेट, दैट इज फाइन। फाइव बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेनिंग 64 चॉकलेट एंड बॉक्स आर। तो सी यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक स्टेबल कंडीशन है, राइट। पांच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं किसके किसके बीच में, 64 चॉकलेट एंड बॉक्स आर के बीच में, और आपको पता है कि बॉक्स आर टॉप पे नहीं रखा जा रहा है। तो सी अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं लाइक दिस, तो 64 चॉकलेट वाले बॉक्स को हमने यहाँ पे रखा टॉप पे, इनके बीच में पांच है, तो 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आर, जिसके पास 50 चॉकलेट्स है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे सेवन बॉक्सेस कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट वी कैन क्रिएट इट हियर लाइक दिस, इट विल बी शोन लाइक दिस, फाइन, इस तरह से हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे लाइंस भी डाल दें तो ज्यादा बेटर पिक्चर हमें दिखाई देगी, सी, ठीक है। नाउ आगे कहता है आपको, आगे आपको यहाँ पे कह रहा है, फाइव बॉक्सेस आर केप्ट, ये हमारा हो गया, बॉक्स वी इज इमीडिएटली अबव बॉक्स टी, तो इसको भी यहाँ पे अभी रख लो, ओके, इमीडिएट अबव है। नाउ बॉक्स एस इज नॉट केप्ट अबव बॉक्स अबव और बिलो बॉक्स क्यू। बॉक्स एस जो है उसके न तो ऊपर ना ही नीचे क्यू आता है, दोनों प्लेसेस पे क्यू नहीं आएगा। ऑलराइट, नाउ आगे क्या कहता है, थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड यू और बॉक्स एस इज अबव यू। तो सी बॉक्स एस इज अबव यू, तीन बॉक्सेस रखे जा रहे हैं। तो लेट्स से कि हमने बॉक्स को यहाँ पे रखा, एस बॉक्स को यहाँ पे रखा एंड हमने यू को यहाँ पे कर दिया। ऑलराइट, एस को यहाँ पे रखा, यू को यहाँ पे कर दिया। नाउ तीन बॉक्सेस बीच में है, 1 2 एंड 3, ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस लिखे हुए हैं, हम कंडीशंस में जाते हैं। तो वी कैन सी कि यहाँ पे वी एंड टी
इमीडिएट रखे गए हैं, तो दैट मीन्स इनके लिए दो प्लेसेस लगातार चाहिए, तो दैट मीन्स वी एंड टी, वी एंड वी को यहाँ तो रख नहीं सकते हैं, ना ही टी को आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने वी को यहाँ रखा, लेट सपोज वी को यहाँ रखा तो टी यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में गैप आ रहा है, या फिर टी को यहाँ पे रखा और वी को यहाँ रखा तो दोनों के बीच में गैप आ रहा है, तो यहाँ पे तो आप इनको रख नहीं सकते हो, तो सी हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हटा दे लाइक दिस, ओके। एंड नाउ नाउ आगे वाली कंडीशन देखते हैं, एंड आगे की कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एस के ऊपर नीचे क्यू नहीं हो सकता, तो सी देखो क्यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और वी एंड टी भी यहाँ नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे पास बचा क्या रखने के लिए, आपके पास बचा है पी रखने के लिए, तो लेट से कि हमने यहाँ पे पी डाल दिया, लेट से हमने यहाँ पे क्या किया, पी को प्लेस कर दिया लाइक दिस, सी पी को हमने प्लेस किया क्योंकि हमारे पास यही बचा हुआ है, एंड वी एंड टी के लिए क्यू यहाँ नहीं हो सकता, क्यों यहाँ नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर दे, वी एंड टी रख सकते हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, एंड नाउ क्यू आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जो कि बचा हुआ प्लेस है आपके पास। फिर आगे चॉकलेट्स की अगर हम बात करें, तो पी और 41 के बीच में दो बॉक्सेस रखे थे, तो 1 एंड 2, 41 कहाँ पे आ जाएगा, टी के प्लेस पे आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ अगेन आगे आते हैं, तो 41 एंड 39 के बीच में एक बॉक्स रखा है, तो सी 1 छोड़कर के 39 अगर हम यहाँ रखते हैं, एंड 1 छोड़कर 39 हम इस प्लेस पे भी रख सकते हैं, बट होल्ड ऑन, लेकिन सी आपको यहाँ पे क्या कंडीशन कहा था कि x इक्वल्स टू 3q, x के पास 3 गुना चॉकलेट्स है, तो अगर 39 हमने यहाँ पे रखा तो 3 गुना चॉकलेट्स आपके पास, का मतलब कि आप क्या करो 39 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो आपको q की चॉकलेट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। नाउ आगे अगेन बढ़ते हैं, तो कहता है कि v के पास क्या है, V के पास जितनी चॉकलेट्स हैं वो क्या है, क्यूब है, तो यू सी 64 तो हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, तो हमारे पास बचा क्या है 27, तो हम V के पास क्या करेंगे 27 प्लेस कर देंगे, और एक बॉक्स में आपके वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन 78 चॉकलेट्स दिया है, तो यहाँ पे हमने 78 चॉकलेट्स प्लेस कर दिया। नाउ यू गॉट द टोटल फिगर हियर, टोटल हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। नाउ एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू, इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू कौन है, यू है, तो जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4। आई होप सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।